देश में एक बार फिर बेकाबू कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,833 नए मामले, 58 लोगों की मौत। बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फरमान, महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च तक रोक। दिल्ली में कोरोना मामलों में बढ़ा उछाल, 24 घंटे में 607 नए केस, एक मरीज ने गवाई जान। सूरत में बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला, आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल बंद, लगेगा नाइट कर्फ्यू, अहमदाबाद के लिए भी फैसला। सामने आई गुजरात सरकार की दोहरी नीति, मास्क नहीं पहनने वाले आम लोगों पर 1,000 का जुर्माना लगाने का फैसला, नेताओं मंत्रियों और अफसरों के लिए सिर्फ 500 रूपये। बंगाल चुनाव में टीएमसी को एक और बड़ा झटका, अब शुभेंदु अधिकारी के पिता और सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। 24 मार्च को काथी में पीएम मोदी की रैली में मंच पर मौजूद रहेंगे शिशिर अधिकारी, शुभेंदु ने 2 दिन पहले दी थी जानकारी। बीजेपी में शामिल होने से पहले शिशिर अधिकारी का ममता पर तीखा हमला, ताज जीतने के लिए बनाया चोट का झूठा बहाना। पार्टी में जोश के बीच ममता ने संभाला मोर्चा, आज पूर्वी मिदनापुर के 3 चुनावी सभाओं में करेंगे संबोधन। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल, शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कराने का लगाया आरोप। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किए 148 उम्मीदवारों के नाम, कृष्णानगर उत्तर से लड़ेंगे मुकुल रॉय। हावड़ा से राहुल सिन्हा उतरेंगे मैदान में, फुटबॉलर कल्याण चौबे मानिक टोला से बीजेपी प्रत्याशी। पनबेश्वर से जितेंद्र तिवारी को टिकट, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल। असंसोल दक्षिण से अग्निमित्र पॉल उम्मीदवार, शांतिपुर से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को टिकट। सौरंगपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई, शिखा मित्रा ने उठाया सवाल, कहा मैं नहीं लड़ रही हूं बीजेपी टिकट पर चुनाव, मैं कांग्रेस में हूं। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन, जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ दुर्गापुर में आगजनी। उत्तरी 24 परगना के वासुदेवपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, अरुण ब्रह्मा को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। राजरहाट गोपालपुर और दमदम के टिकट को लेकर भी टेंशन, सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। आरोपों के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में की तोड़फोड़, झड़प में एक कार्यकर्ता जख्मी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पश्चिम वर्धमान के रानीगंज विधानसभा सीट से बिजन बैनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रदर्शन, कहा पुराने पार्टी नेताओं को मिले टिकट। हावड़ा में बाली से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए वैशाली डालमिया का भव्य स्वागत, सिद्धेश्वरी काली मंदिर में की पूजा अर्चना। 2 दिनों के असम दौरे पर राहुल गांधी, आज पहले दिन डिब्रूगढ़ के कॉलेज में छात्रों से करेंगे बात। सुखिया में चाय बागान के कर्मचारियों से भी करेंगे मुलाकात राहुल, फिर करेंगे चुनावी सभा, कल जोरहाट में कार्यक्रम। दिल्ली में चुनाव आयोग की आज अहम बैठक, 5 राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा। वृंदावन पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सड़क किनारे कुल्हड़ में पिया दूध।